हेलो गाइस, आज हम आपके साथ में बहुत ही टेस्टी डिलीशियस खस्ता आलू मटरी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इस रेसिपी को आप किसी भी फेस्टिवल पर बहुत आसानी से बना सकते हैं, साथ ही इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बोल लेंगे और इस बोल में ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप लिया है, ये 1/2 कप है, इसीलिए मैंने इसमें 2 कप मैदा का यूज़ किया है। टोटल मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसी कप से ऐड करेंगे 1/4 कप बेसन। आप इस रेसिपी में मैदा के साथ साथ आटा का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप मैदे की जगह पर आटा ले सकते हैं, या आप 1/2 मैदा, 1/2 आटा और 1/4 कप बेसन ले सकते हैं। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। आप इसकी जगह पर क्रश की हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बॉयल किया हुआ ग्रेट किया हुआ आलू। आलू ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रश की हुई थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि कस्तूरी मेथी से मटरी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी नहीं है तो आप इसकी जगह पे चॉप्ड हरी धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। हमने यहाँ पर वनस्पति घी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल यूज़ करने से मटरी उतनी ज़्यादा खस्ता नहीं बनती हैं जितनी कि वनस्पति घी ऐड करने से बनती हैं। हमने यहाँ पर लगभग 5 टेबल स्पून वनस्पति घी का यूज़ किया है और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, सभी इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से आपस में मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें एक इंग्रेडिएंट डालना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, अब डाल देते हैं। वो इंग्रेडिएंट है अजवाइन। तो हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून अजवाइन ले लेंगे और उसे हाथों से हल्का रब करके इस मिश्रण में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम अजवाइन को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक सेट हो रहा है, चलिए हम मटरी के लिए एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए हम एक बोल में लेंगे लगभग 1/4 कप रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। वनस्पति घी लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 3 टेबल स्पून मैदा। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मैदा का एक थिक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम डो को चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं डो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो बस अब हम इसमें से 1/2 डो कट कर लेंगे और 1/2 डो को हम बाद में यूज करेंगे। तो डो को कट करने के बाद अब हम इसे एक सिलेंडर का शेप देंगे। सिलेंडर का शेप देने के बाद अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां कट कर लेंगे बराबर भागों में। हमने यहाँ पर 4 लोइयां कट कर ली हैं और अब हम इन्हें गोल गोल घुमाते हुए लड्डू का शेप देंगे। लड्डू का शेप देने के बाद हाथ से प्रेस करके इनका पेड़ा बना लेंगे। लोइयों का पेड़ा बनाने के बाद अब हम इन 3 पेड़ों को साइड में रख देंगे और 1 पेड़े को पूड़ी की तरह बेलेंगे। अगर बेलने में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऊपर से डस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसे आसानी से बेल सकते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पर 1 पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं। और इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने यहाँ पर 4 पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है और इसी तरह हम बचे हुए डो की भी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम 1 पूड़ी लेंगे और इस पूड़ी पर हम लगाएंगे मैदे वाला पेस्ट। पेस्ट को हमें पूड़ी पर बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि अगर पेस्ट अच्छे से नहीं लगेगा तो मटरी में जो लेयरिंग बनती है वो बहुत अच्छे से नहीं बनेगी।
एक पूड़ी पर अच्छे से हमने पेस्ट लगा लिया है, और अच्छे से पेस्ट लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर रख देंगे दूसरी पूड़ी। दूसरी पूड़ी रखने के बाद अब हम इस पूड़ी के ऊपर भी मैदे वाला पेस्ट लगाएंगे, और इसी तरह हम चारों पूड़ियों को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, इनके ऊपर मैदे का पेस्ट लगाते जाएंगे। और ये देखिए, हमने चारों पूड़ियों को एक के ऊपर एक रख दिया है, और अब हम सबसे लास्ट वाली पूड़ी के ऊपर भी मैदे का पेस्ट अच्छे से लगा देंगे। चारों पूड़ियों को एक के ऊपर एक रखने के बाद अब हम इसका रोल बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, रोल हमें टाइटली बनाना है। रोल बनाते समय अगर रोल ढीला रह जाएगा तो मटरी का शेप सही नहीं आएगा, मटरी पकाते समय खुल सकती है, इसीलिए रोल को हमें बिल्कुल टाइट बनाकर तैयार करना है। रोल बनाने के बाद अब हम रोल को दोनों हाथों से सरफेस पर घुमाते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे, ताकि इसकी सारी लेयर आपस में अच्छे से चिपक जाए। और ये देखिए, हमने रोल को बहुत अच्छे से रोल कर लिया है, और अब हम इस रोल को कट करेंगे। तो रोल को हम किसी नाइफ की मदद से बराबर बराबर भागों में कट कर लेंगे। इससे पहले एक रोल हम आपको कट करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर एक एक लेयर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। रोल को अच्छे से कट करने के बाद अब हम इस रोल को हाथ से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं मटरी कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है, और इसी तरह हम सारे रोल कट करके उसे हाथों से प्रेस करके मटरी का शेप दे देंगे। इसी तरह हम सारी मटरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सारी मटरियां बनाकर तैयार कर ली हैं। चलिए अब इन्हें पकाते हैं। तो इन्हें पकाने के लिए मैंने पहले ही ऑयल को गरम कर लिया है। जब ऑयल गरम हो जाएगा तब हम इनमें ये मटरियां डाल देंगे। आप देख रहे होंगे कि ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है, मीडियम हॉट ऑयल ही गरम है। मटरियों को पकाने के लिए हमें इसी तरह का ऑयल चाहिए। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गरम होगा तो मटरियां नीचे से जल्दी लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। जब मटरियां नीचे से हल्की सी हार्ड हो जाएंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। थोड़ा सा ऑयल हम मटरियों के ऊपर भी स्पैटुला से डाल देंगे, ताकि मटरियां ऊपर से भी हल्का सा हार्ड हो जाएं और पलटते समय इनका शेप ना बिगड़े। और ये देखिए, इसी तरह हम उलटते पलटते हुए मटरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि मटरियों का कलर कितना सुंदर आया है, और मटरियां भी कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मटरियां पकाते समय गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा, ताकि मटरियां खस्ता भी बने और अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। और अब हम इन मटरियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह सभी मटरियों को फ्राई कर लेंगे। मटरियों को प्लेट में निकालते समय आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट मटरियां बनकर तैयार हुई हैं। इन मटरियों को देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इन्हें घर पर बनाया है, वो भी इतनी आसानी से। अभी ये मटरियां गर्म हैं, इसीलिए हल्की सी सॉफ्ट दिख रही हैं आपको। जैसे जैसे ये मटरियां ठंडी हो जाएंगी, ये मटरियां खस्ता होने के साथ साथ क्रंची भी बनी है। आपको देखने से लग रहा है ना कि ये मटरियां हमने मार्केट से मंगवाई हैं। इन मटरियों का कलर टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आया है, और जब ये मटरियां अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब हम इन्हें एयर टाइट डिब्बे में भर करके स्टोर भी कर सकते हैं। ये मटरियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। इन मटरियों को आप चाय के साथ में सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए, खाने में ये मटरी बहुत टेस्टी है, और आप देख भी लिए हैं कि ये बनाने में भी बहुत आसान है। कुछ ही मिनटों में ये ढेर सारी मटरियां बनकर तैयार हो जाती हैं। फिर सारी लेयर वाली ये मटरी बहुत आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं मिनटों में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये आलू की खस्ता मटरी की रेसिपी कैसी लगी।